हेलो स्टूडेंट, आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। मैं आलोक आज आपके समक्ष क्षितिज भाग एक के गद्य खंड राहुल सांकृत्यान द्वारा रचित पाठ लहसा की ओर के साथ प्रस्तुत हूं। लेखक का परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यान का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंदहा गांव में सन 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में मिडिल शिक्षा आजमगढ़ में तथा उच्च शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद राहुल सांकृत्यान नाम से प्रसिद्ध हुए। वे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके ज्ञान के आधार पर ही उन्हें महापंडित कहा जाता है। वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। उन्होंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की। साहित्य का यह महापंडित 1963 में संसार छोड़ गया। रचना परिचय। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार राहुल सांकृत्यान ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उनकी कृतियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। अन्य साहित्य, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागों ने ही दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी इत्यादि। यात्रा साहित्य, मेरी जीवन यात्रा 6 बार, राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में, यात्रा के पन्ने, हिमालय परिचय, रूस में 25 मास आदि। साहित्यिक विशेषताएं। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अद्वितीय है। उन्होंने घुमक्कड़ी के शास्त्र की रचना की। उन्होंने घुमक्कड़ी के लाभ का विस्तृत उद्देश्य बताया तथा यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। इससे मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, यह समझाया। भाषा शैली। राहुल जी ने अपनी रचनाओं में परिनिष्ठित एवं शुद्ध भाषा का प्रयोग किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव के साथ साथ अरबी, फारसी, हिंदी की बोलियों के रोचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। लघुक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भाषा की रोचकता बढ़ गई है। पाठ का सारांश। लहसा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 से 1930 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति ना होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की। इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। लेखक ने तिब्बत की अपनी यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी क्लिडोपन का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थीं। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही पर्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं तथा उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। इस पर्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चीटे दे दी। थोडला के आखिरी गांव में उसे सुमति के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा
थोडला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ पर और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं दिखते हैं। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। या वहाँ कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून ना होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के भेष में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे दांडे पर पहुंचे, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी और कुछ पर ना बर्फ थी ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछुड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत पीछे रह गया था। इसी बीच वह रास्ता भटका और कहीं और चला गया, फिर वापस रास्ते पर लौटकर आया। वह 4 बजे के करीब लड़कौर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमित प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लड़कौर से में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिखाई देता था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमित के यजमान थे। ये यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया भारवाहक ना मिल पाने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमित अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जमींदारों में बटी है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहां एक सुंदर मंदिर भी था। उसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थीं। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमित अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर आगे चल पड़ा। यह था पाठ का सार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।